सेंसेक्स का दोस्तों कल के दिन एक्सपायरी है और सेंसेक्स के ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा दिखा जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, आप शॉक होने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से सारे पुट राइटर भागे हैं कोई सिंगल लेवल भी नहीं है जहां पे पुट राइटर बचे हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस देखेंगे क्योंकि ये वीडियो है दोस्तों सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेंसेक्स सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब जीरो टू हीरो कल के दिन सेंसेक्स में क्या बनेगा यही ऑप्शन चेन देख के पता चलेगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे सुबह सुबह आज के दिन निफ्टी मूव किया ही नहीं, बहुत ही अजीब था। आपने एक चीज नोटिस किया होगा 10 बजे के बाद बेसिकली बैंक निफ्टी अच्छा मूव किया लेकिन निफ्टी मेरे भाई वहीं पे रुका रहा जो मैंने लेवल दिया था 19,731 और क्लियर कट दोस्तों सस्टेन का रूल तक बताया था और ये रूल के हिसाब से सस्टेन होते होते बहुत टाइम लग गया, यानी कि पूरे आखिरी मोमेंट पे सस्टेन हुआ और मैंने एग्जिट करने को बोल दिया। अगर आप पूरे दिन देखें तो सस्टेन हुआ ही नहीं, वही बोरिंग मार्केट था दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया लेकिन निफ्टी पे आज के दिन फोकस था क्योंकि देखिए जिस दिन जिसका एक्सपायरी है वहां पे हम फोकस रखते हैं। कल के दिन निफ्टी का मैं एक भी लेवल नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बैंक निफ्टी का दिया था और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के रखे थे। इवन जो लोग नहीं जुड़े अभी भी आप देख सकते हैं कल के जाके सिंपल एक लेवल दिया था 10:07 एक 45,635 के नीचे हमें सेल करना है। गैप डाउन खुला था फिर भी दोस्तों पूरे टॉप से यही स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेल करने को दिया, क्या धमाका दिया कल के दिन। क्लियर कट दोस्तों जिस तरीके से मोमेंट क्या हुआ, पूरे के पूरे स्मूथ मोमेंटम, और यही मूव आज के दिन निफ्टी में एक्सपेक्ट में कर रहा था, बिल्ड हुआ नहीं। तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी जुड़ जाइए। अब दोस्तों कल के दिन सेंसेक्स में क्या होगा वो तो हम देखने वाले हैं। तो यार इससे पहले एक रिक्वेस्ट यार, आपको समझो ना यार मेरी बात, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, बेल आइकन नहीं प्रेस करते और आप पूछते हैं कि भाई सेकंड वीडियो नहीं आया बोल के, यार कर लिया करो सब्सक्राइब क्योंकि रोज दोस्तों मैं दो वीडियो डालता हूं। तो प्लीज यार आप लिंक को अभी के अभी जो सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि आपके लिए मैं लेके आया हूं सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल वीडियो। पब्लिक डिमांड मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, पहला प्रायोरिटी रखता है, तो यार आप मेरी डिमांड भी थोड़ा पूरा कर लिया कीजिए। और ये एक वीडियो में सारा एनालिसिस करने वाले हैं, ऐसे नहीं कि अलग अलग वीडियो आएगा, आज के दिन एक वीडियो में सब कुछ होने वाला है, बैठिए एंजॉय कीजिए। सेंसेक्स का पहले डिस्कस करते हैं, जो लोग सेंसेक्स का देखना नहीं चाहते 3-4-5 मिनट आप स्किप कर सकते हैं, आगे बैंक निफ्टी निफ्टी का आप देख सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो चलिए दोस्तों सीधे हम चालू करते हैं। सेंसेक्स का हीरो जीरो कब बनेगा एक ही बात बताऊंगा, कल के दिन फ्लैट गैप डाउन खुला 66,062, अगर इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, इसके नीचे आपको डेफिनेटली डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसके पीछे रीजन क्या है, 66,062 का लेवल मैंने क्यों दिया, थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। देखिए ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप खुद देखिए 66,062 से 66,133 अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस यहां पे था राइट, जहां से मार्केट फॉल किया था। अब सेकंड टाइम जब टूटा लाइक टच किया दोस्तों डॉट इसी रेजिस्टेंस से, यहां से फिर से मार्केट फॉल किया। अब तीसरी बार जब टच किया अगर आप देखेंगे डॉट इसी रेजिस्टेंस, यहां से मार्केट फॉल किया, तो ठीक है ओके आप कह सकते हैं, मतलब ये एक परफेक्टली रेजिस्टेंस था। बट कहानी दोस्तों ट्विस्ट कहां पे आता है, यहां पे आता है। अगर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस को जिस दिन सेंसेक्स ने ब्रेकआउट दिया था बहुत अच्छा खासा, उसके बाद तो अपसाइड मूव देता गया भाई 67,000 पहुंच गया 66,000 से। लेकिन अगर आप देखेंगे वही रेजिस्टेंस, आप समझ पा रहे हैं दोस्तों अब मेरी बात, क्योंकि पहले ये एक रेजिस्टेंस था ओके, यही रेजिस्टेंस को सेंसेक्स ने ब्रेकआउट दिया। अब ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया है, अब यही रेजिस्टेंस क्या बनेगा मेरे भाई, सपोर्ट बनेगा ना, आपको मैं हमेशा सिखा के रखा हूं, जो कि आज के दिन बनते हुए दिखा। आज के दिन अगर आप देखेंगे ये भी गैप डाउन खुला, नीचे आया, निफ्टी को ही फॉलो करता है ऑलमोस्ट सेंसेक्स, और वही मैंने बात बोला 10 बजे के बाद देखिए निफ्टी का भी मोमेंटम डेड था, मजा ही नहीं आया ट्रेड करने में, मतलब 10 बजे के बाद ब्रेकडाउन हुआ यहां पे और उसके बाद बैंक निफ्टी चलता गया लेकिन निफ्टी चला ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कल के दिन के लिए सिंपल लॉजिक है, बस यही जो सपोर्ट जो है इसके नीचे कल के दिन क्लोज कर देना चाहिए 15 मिनट का कैंडल, तब आपको अगेन डाउन साइड का ही मूव देखने को मिलेगा। स्पेस अच्छा खासा है, हीरो जीरो का भी पुट खरीद सकते हैं छोटा एसएल देके, नॉर्मल ट्रेड भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं ओके। अब दोस्तों बात करते हैं अगर बाइंग का, तो कल के दिन वह फ्लैट गैप अप खुला और 66,359 अगर इस लेवल के ऊपर जाना चालू किया तब जाके आप कहीं ना कहीं कॉल बाय कर सकते हैं 66,359 के ऊपर। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे सिंपल रीजन है दोस्तों, पहला रीजन आता है ट्रेंड लाइन। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा के रखा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन को एक बार सेंसेक्स ने टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम दिया ओके, दोबारा दोस्तों अगर आप देखेंगे टच किया डाउनफॉल का मोमेंटम दिया
तो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अभी भी। तो कल के दिन फ्लैट गैप अप खुल के जैसे ही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम कॉल बाय करेंगे, लेकिन सिंपल एक ही रीजन नहीं है। एविडेंस नंबर टू क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहां से कंटिन्यूसली 4 से 5 रेड कैंडल मारा, एक पुलवेक यहां तक मारा और यहां पे दोस्तों ऊपर जाने की कोशिश जरूर किया, लेकिन सेलर ने अगेन अटक किया और फिर मार्केट डाउन साइड होके साइडेस हो गया। तो ये एक आज के दिन ऐसा पॉइंट है जहां पे फ्रेश सेलर अटैक किए हैं। तो अगर कल के दिन इसके ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन प्लस ये रेजिस्टेंस टूटा है तभी जाके आपको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया आपको, अब सारा ड्राइंग कर लेते हैं रिमूव, अब कुछ अलग देखते हैं। देखिए कल के दिन अगर समझ लीजिए दोस्तों मार्केट गैप अप खुला तब भी मैं सेलिंग के साइड जाऊंगा, कल 5 मिनट का समझ लीजिए जो कैंडल बनेगा उसका लो टूटते हैं सेल कर सकते हैं या फिर एम पैटर्न देखते हैं सेल कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, सिंपल रीजन जो कि हर एक वीडियो में बताता हूं, जो लोग यहां पे आज के दिन बाय करके गए हैं कल के दिन गैप अप खुला तो ऑलरेडी यहां पे रेजिस्टेंस है, तो यहां से फिर से सेलर फ्रेशली अटैक करेंगे और मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, 66,250 यहां पे दोस्तों क्लोजिंग दिया हमारा सेंसेक्स। तो अब आ चुके हैं सीधे सेंसेक्स के ऑप्शन चेन पे और 66,200 से लेके 300 ये एरिया पे दोस्तों कहीं ना कहीं क्लोज दे चुका है। अगर मैं बात करूं ऊपर का, अब दोस्तों सेंसेक्स में वॉल्यूम आने लगा है और कहीं ना कहीं अच्छा खासा, पहली बार इतना बड़ा बड़ा नंबर में देख रहा हूं, नहीं तो सेंसेक्स में पता नहीं क्या हुआ वॉल्यूम ही नहीं, तब लोग ट्रेड करने लगे हैं वहां पे, अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। तो 66,300 पे दोस्तों 1 लाख कॉल लेटर दम नहीं है, 66,400 पे 1,21,000 कॉल लेटर दम नहीं है, लेकिन 66,500 पे यहां पे दोस्तों ह्यूज कॉल राइटिंग हुआ है, 2,39,000 से ज्यादा कॉल राइटर। तो कल के दिन पहला लेवल है 66,400, इसके ऊपर जाता है जहां पे 1,21,000 कॉल राइटर है तो मार्केट बुलिश मूव पकड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा खासा बुलिश मूव 66,500 के ऊपर क्लियर कट बुलिश मूव पकड़ लेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। मतलब ऐसे नहीं कि 100% होगा यार, हम डाटा पढ़ के हम कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, तो 66,500 के ऊपर सारे कॉल राइटर कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा और 2,39,000 कॉल राइटर ट्रेप होंगे। आगे देखेंगे तो कहीं पे इतना कॉल राइटर नहीं है, 1,94,000 ऐसे हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं पुट राइटर एक ही लेवल पे हैं, वो है राउंड लेवल 66,000 पे ही दोस्तों 1,20,340 से ज्यादा पुट राइटर हैं, तो 66,000 के नीचे ही कहीं ना कहीं आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जैसे जैसे सेंसेक्स नीचे आया दोस्तों सारे पुट राइटर का बैंड बजा। अगर आप देखेंगे लाल लाल कलर पे माइनस माइनस दिखाई दे रहा है ये कॉलम का, आप नोटिस कीजिए सारे पुट राइटर भाग चुके हैं। ओके, मतलब -23,000 -10 -20 -11 सारे पुट राइटर भाग चुके हैं, फिर भी 1,20,000 66,000 पे रुके हैं। अब 66,000 एक राउंड नंबर है, इसके नीचे आया तो हमें सेल करके चलना है। अब फटाफट देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, देन निफ्टी पाएंगे। आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, नहीं किया यार कर लो ना यार, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना वैल्यू है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का कल के दिन सिंपल रखते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्लैट गैप अप खुला 44,592 अगर ब्रेकडाउन किया तो हम सेल करके चलेंगे, इसके पीछे सिंपल रीजन है। रीजन दोस्तों अगर आप देखेंगे, देखिए पिछले 2-3 दिन से वही हो रहा है, गैप डाउन खुला नीचे आया, मतलब जब जब मेरा कहने का मतलब है जो प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे अगर मार्केट खुला तो ट्रेंड डाउन पकड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले दिन कल के दिन भी अगर आप देखेंगे मार्केट क्लोज किया था, इसके नीचे आज गैप डाउन खुला, रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आ गया। तो कल के दिन भी सिंपल रखते हैं, फ्लैट गैप अप खुला और जैसे आज का लो टूटा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, 44,610 के नीचे हम सेल करेंगे और अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी खुला तब भी दोस्तों प्राइस एक्शन देखते हैं, सेल के लिए ही सोचेंगे। लेकिन ये तो पहला कंडीशन रहेगा, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे थोड़ा डर तो लेकिन रहेगा, कल के दिन फ्लैट खुला सेल करने के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन अगर गैप डाउन खुला कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर रहेगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक चीज नोटिस कर रहे हैं 44,372 अगर आप देखेंगे ये एक सपोर्ट जोन है, उसके नीचे देखेंगे 44,207 सपोर्ट जोन है, उसके नीचे देखेंगे कितना बड़ा सपोर्ट जोन है जहां पे तो मार्केट अपना बेस क्रिएट किया था और इतना बड़ा अपमूव किया था, तो डर अभी लगने लगा है कि लगातार सेलिंग हो नहीं सकता, कहीं से भी ये उठा लेंगे दोस्तों और सीधे मार्केट यू टर्न मारता हुआ आपको दिख सकता है। तो कल के दिन थोड़ा कॉशियसली अप्रोच रख सकते हैं सेलिंग के साइड, ना कि माइंड में फ्री माइंड में आप रख सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। तो कल बस फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप खुला 44,610 टूटा तो सेल, ओके क्लियर हो गया। बाइंग की अगर मैं बात करूं रिस्की बहुत रहेगा अभी कल के दिन बाइंग, फ्लैट गैप अप खुला 44,835 के ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन दिखाता है तो बाय कर सकते हैं। जो लॉजिक हमने सेंसेक्स में अभी डिस्कस किया, मार्केट डाउन साइड का मूव दिया, यहां पे कहीं ना कहीं फ्रेश बायर एक्टिवेट हुए,
ऊपर रहने की कोशिश किया। लेकिन ये जो पॉइंट था दोस्तों, ये आज के लिए टर्निंग पॉइंट था बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से न्यू सेलर एक्टिवेट हुए एंड देन डाउन साइड, तो इसके ऊपर अगर जाता है 44,835 के ऊपर, तब डेफिनेटली हम बाय करके चलेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, 44,600 के आसपास क्लोज दिया है हमारा बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, और क्लोज कहां पे दिया है 44,600 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है। परफेक्ट। तो यहां पे अगर देखेंगे 44,700 पे 11 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, 44,800 पे 15 लाख और 44,900 पे 11 लाख, दो ही प्लेस हैं जहां पे कॉल राइटर भरे पड़े हैं 44,700 एंड 800। अगर 44,700 के ऊपर गया तो बुलिस, 800 के ऊपर गया मोर बुलिस, और 45,000 तोड़ दिया तो मेरे भाई सोने पे सुहागा, क्योंकि बुलिस ही बुलिस है उसके ऊपर, क्योंकि वहां पे ही 36 लाख मैडनेस दोस्तों कॉल राइटर बैठे हैं 45,000 के लेवल पे। तो 44,700 800 के लेवल के ऊपर आपको अपसाइड का मूव दिख जाना चाहिए। नीचे की अगर मैं बात करूं राउंड नंबर 44,500, यहां पे ही दोस्तों 11 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। उसके आगे देखेंगे इतना नंबर कहीं पे नहीं दिखेगा, उसके पीछे देखेंगे 4 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख, तो एक ही लेवल है वो है 44,500। इसके नीचे आएगा देन डेफिनेटली हमें सेल करके चलना है। अब चले जाते हैं दोस्तों सीधे निफ्टी पे, क्या निफ्टी का हाल चाल आज के दिन क्या है, और बड़ा ही बुरा हाल था दोस्तों। मुझे तो पर्सनली बड़ा बुरा लगा कि यार क्यों मूव नहीं किया आज के दिन, एक्सपायरी था और हर एक्सपायरी इंडेक्स मोमेंट करता है, बट पता नहीं क्या हुआ था आज के दिन निफ्टी को। तो कल के दिन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, फ्लैट खुला 19,713 अगर ब्रेकडाउन किया तो हम सेल करके चलेंगे। सिंपल रीजन और लॉजिक है। अगर आप नीचे जाके देखेंगे, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे डॉट कहीं ना कहीं एक दिन का क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, जो कि क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट के जैसा काम करेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ गया भी था, मतलब ये एक सपोर्ट है, मेरा कहने का मतलब है एक क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट के जैसा काम करेगा, और आज के दिन दिखा भी दिया 19,713 का लेवल। अगर आप देखेंगे डॉट यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है गिरते गिरते, तो यही दोस्तों सपोर्ट दो बार टेस्ट हो चुका है। कल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खुलते ही 19,713 के नीचे 5 मिनट के अंदर क्लोज देते हैं, अगेन हमें सेल कर लाइक मार्केट सेल आता हुआ दिख सकता है दोस्तों, इतना क्लियर है हमें। और अगर मैं बात करूं बाइंग के तरफ, तो कल के दिन फ्लैट गैप अप खुला 19,785 के ऊपर गया, तो बाय कीजिए, बाय करके बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप क्लियर कट देखेंगे रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया नीचे गया, दोबारा दोस्तों टच किया नीचे गया, तो बस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा एंड देन 19,785 ये जो हमारा स्विंग है। अगर आप देखेंगे आज के दिन, मैं सच में सोच रहा था आज के दिन यार पैनिक सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट लिया एंड देन डाउनफॉल, ये जो ब्रेकडाउन पे उसके बाद तो पता नहीं निफ्टी लाइक बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव दिया, बट क्या हुआ, मतलब आज रिग्रेट रहेगा निफ्टी के लिए कि मोमेंट ही नहीं दिया। एक इंडेक्स एक दूसरे को फॉलो करते नहीं है आजकल, पहले फॉलो करते थे निफ्टी बैंक निफ्टी सेम चलते थे, बट आजकल नहीं चलते। तो 19,785 के ऊपर अगर गया तो हम बाय करेंगे, क्योंकि आज के दिन का रेजिस्टेंस ये है, तो ट्रेंड लाइन टूटेगा प्लस रेजिस्टेंस टूटा तो हम बाय करके चलेंगे। 19,748 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों हमारा निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर एंड 700 से लेके 750 इसी के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है। तो ये जो ऑप्शन चेन है ये अगले हफ्ते का ऑप्शन चेन है, आज का नहीं 28 सितंबर का है दोस्तों, आज का तो खत्म हो गया एक्सपायरी के साथ साथ। तो 19,750 में 11 लाख लेकिन क्लियरली पता चल रहा है ये, और पढ़ूं क्या, 19,800 पे दोस्तों कॉल राइटर अपना स्टाम्प लगा के गए हैं, 51 लाख से ज्यादा कॉल राइटिंग है 19,800 पे, तो इसके ऊपर जाएगा तभी दोस्तों हमें बाय करके चलना है। नीचे की अगर मैं बात करूं क्लियरली दिखाई दे रहा है नंबर 19,700, जहां पे 23,14,450 से ज्यादा पुट राइटर है, तो 19,700 के नीचे गया तो सेल और 19,800 के ऊपर गया तो बाय। क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू।